हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाले अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक शेयर करना तो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो मेरा नाम वजह है, मेरा नाम नजीर। तो यार बाबा, जैसे कि आपको पता है अभी F-35 रिसेंटली इंडिया में आए हैं। बिल्कुल, वो हमने वीडियो हमने देखा था। तो अभी एक और बहुत ही बड़ा खबर निकल कर आ रहा है कि F-22 रैप्टर आ रहे हैं। F-22 रैप्टर, ये मतलब कि ये F-35 से भी ज्यादा खतरनाक है और ये अमेरिका का ही बहुत बड़ी खबर है ये तो। अगर इंडिया में ये आ जाते हैं तो बहुत ही एक किस्म का, मतलब कि एक बड़ा एक किस्म का ये F-35 आया है। अभी वो F-22 ना, ये आ जाएंगे तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी खबर है कसम से, मजाक सट के। तो अभी देखते हैं बकाया अपडेट क्या है। तो वीडियो ओरिजिनल वीडियो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दुनिया का सबसे घातक और सबसे विनाशकारी लड़ाकू विमान यानी कि F-22 रैप्टर चीन के खिलाफ भारतीय उपमहाद्वीप में आ रहा है। अच्छा। तो पूरी खबर ये मैं आपको बता रहा हूँ, साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे चीन ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में चेंज करने की ठानी है और कैसे क्वाड देश चीन की वाट लगाने में लगे हुए हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों चीन एक ऐसा देश है जिसकी दुनिया में लगभग हर बड़े देश के साथ लड़ाई है। इक्के दुक्के देशों को छोड़ दें तो चीन ने हर तीसरे देश के साथ अपने संबंध खराब करके रखे हुए हैं। कुछ देश हैं जिनके साथ चीन की बड़ी अच्छे से बनती है, तो वो है रूस और पाकिस्तान। और पाकिस्तान तो जैसे चीन का दूसरा घर जैसा ही है। पाकिस्तान को कर्ज तले दबाकर चीन यहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत करते जा रहा है। और वहीं एक और मजेदार बात मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, जब भारत ने LAC पर अपने तिब्बतन फोर्सेस को यानी कि SFF कमांडो को तैनात किया था तो चीन के जवान यहाँ पर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन पर सांस ले रहे थे। तो चीन के जवान है, उनको इन परिस्थितियों को झेलने में बहुत ही ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो इसीलिए चीन ने यह तय किया कि वो उनके कब्जे वाले तिब्बत में से ही भारत की तरह ही एक स्पेशल फोर्स तैयार करेंगे जो कि लद्दाख जैसे एरिया में भारत को काउंटर कर सके। और वहीं पाकिस्तान को भी माउंटेन वॉरफेयर की ट्रेनिंग चीन दे रहा है। हालांकि ये बात अलग है कि चीन को खुद माउंटेन वॉरफेयर की ABCD भी नहीं आती है और मेरे हिसाब से तो पाकिस्तान चीन से ज्यादा अनुभव रखता है माउंटेन वॉरफेयर। तो दोस्तों चीन को काउंटर करने में अमेरिका भारत की बहुत ही ज्यादा मदद कर रहा है, और सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि जितने क्वाड देश हैं चारों के चार चीन की वाट लगाकर रखे हुए हैं। भारत ने तो एक तरफ से चीन को झटके दिए ही हैं, तो वहीं दूसरा अमेरिका तो खुले रूप में चीन का दुश्मन है। सही का। और इसके अलावा हाल ही के दिनों में ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन को फटकार लगाकर रखी हुई है। तो वहीं हाल ही में ये भी खबर आई कि चीन जापान से भी बौखलाया हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर देखें तो क्वाड देशों ने चीन का जीना हराम करके रखा हुआ है। चीन ने जापान को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे दी थी क्योंकि जापान ताइवान के मुद्दे को बहुत ही प्रमुखता से उठा रहा था। तो अब आप कहेंगे कि चाइना की न्यूक्लियर पॉलिसी तो नो फर्स्ट यूज की है, तो उसने जापान को कैसे धमकी दे दी। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि हाल ही में चीन अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में भी बदलाव कर रहा है और उनका ये कहना है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी दुनिया के सभी देशों के लिए रहेगी, लेकिन जब बात आएगी जापान की तो वो यहाँ पर पहले हमला कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि चीन कितना बौखलाया हुआ है हमारे मित्र जापान देश जापान क्या घुमाया है। और इसके बाद जैसे ये भी काफी ना था, अब इंडो पैसिफिक में यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में तैनाती होने जा रही है दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले F-22 रैप्टर लड़ाकू विमानों की। अच्छा। जो कि अमेरिका के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका यहाँ पर इन लड़ाकू विमानों को भेज रहा है और पूरे इंडो पैसिफिक में ये डिप्लॉय रहेंगे। अच्छा। चीन के खिलाफ, क्योंकि हाल ही में चीन ने ताइवान के मुद्दे को लेकर जापान को धमकी दी है और ऐसे में अमेरिका की जिम्मेदारी यहाँ पर और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि अमेरिका और जापान के बीच में अलग अलग संधियां हैं। और इसके अलावा ताइवान का मुद्दा अमेरिका के लिए भी एक प्रमुख है। इसके अलावा भारत के साथ भी चीन का गतिरोध चल रहा है, तो अमेरिका भारत को भी बैकअप देने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में F-22 रैप्टर तैनात कर रहा है।
दोस्तों अब आप कहेंगे कि मैंने ऐसा आखिर क्यों कहा कि F-22 रैप्टर भारत आ रही है। तो दोस्तों इंडो पैसिफिक जो एरिया है, पहले इसे इंडो पैसिफिक नहीं बोला जाता था, लेकिन अमेरिका ने ये चलन चलाया और भारत के नाम के पीछे इस क्षेत्र को इंडो पैसिफिक बोले जाने लगा है। और ये भारत के लिहाज से काफी अच्छा है, क्योंकि भारत यहाँ पर एक प्रमुख देश है और भारत की सबसे ज्यादा यहाँ पर ताकत है। इस क्षेत्र में भारत को चैलेंज करने वाला सिर्फ चीन ही है और कोई नहीं। ऐसे में भारत के लिए ये बहुत ही फायदे वाली खबर है और अमेरिका भी भारत को पूरा सपोर्ट कर रहा है। और कुल मिलाकर देखें तो सारे के सारे क्वाड देश आपस में मिलकर चीन की वाट लगाने में लगे हुए हैं। तो आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, ये कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। साथ ही ऐसे ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम। उधर हुई ये वीडियो खत्म, मतलब काफी बड़ा एक न्यूज है कसम से। F-35 से भी काफी खतर, बहुत ज्यादा जहाज है, वो भी पांचवी पीढ़ी का, ये भी पांचवी पीढ़ी का, लेकिन ये कि ये इसमें ज्यादा फीचर्स है, ज्यादा इंडिया में आ गए ना, तो ये अमेरिका डिप्लॉय कर रहा है ना चाइना के खिलाफ इंडिया के अंदर। अगर चाइना कोई मस्ती करता है इंडिया के साथ तो जाहिर बात है अमेरिकन जहाज वहां पे होंगे तो वो भी इंडिया के साथ मिलकर अटैक कर। बिल्कुल सही बात है, ये चाइना की जरूरत नहीं होगी इंडिया के साथ। और नहीं 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 नहीं, नहीं किधर पापा, अभी तो चाइना सोच भी नहीं सकता। चाइना को आगे झटके लगे हुए हैं सही करके। वो F-35 आया उसका अलग झटका है, अभी ये जो F-22 रैप्टर आ रहा है, मैं कहता हूँ कि इसका फिर एक अलग ही उनको टक्कर देने के लिए इंडिया ही है चाइना को, और तो कोई नहीं। अब जाहिर बात है, लेकिन फिर अमेरिका सही मैं कहता हूँ ना आगे बढ़ के आ रहे हैं इंडिया की हेल्प के लिए। अभी उस दिन दो जहाज हेलीकॉप्टर दिए, वो भी जबरदस्त जहाज है, हाँ, वो भी न्यू टेक्नोलॉजी के हैं, हाँ बिल्कुल। और मतलब कि उसके अंदर जाहिर बात है हर एक चीज फीचर जिस तरह बताया गया था बहुत सही था, मतलब कि चाइना की सबमरीन को उड़ाने के लिए उससे बेहतर हेलीकॉप्टर और कोई भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, वो भी मुआदा 28 का हुआ है, बिल्कुल दो मिल गए हैं और बकाया अभी और बकाया उनको मिलने हैं और वो भी बहुत जल्दी मिलेंगे। तो यार आप लोग इसके बारे में बताएं कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अभी तक मिली कि नहीं मिली, लेकिन ये है कि इसने काफी न्यूज ने चौंका दिया। बिल्कुल, मतलब अमेरिका ने आज तक ऐसा काम किसी देश के लिए नहीं किया जो इंडिया के लिए कर रहा है। और इसमें बाबा कोई शक नहीं कि इंडिया अमेरिका साथ सही निभा रहा है, दोस्ती सही निभा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, ये तो एक अच्छा दोस्त बन के पार आ रहा है। और कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया का साथ दे रहा हो भाई, मतलब ऐसा कोई देश नहीं। इसराइल देता है, इसराइल अमेरिका ने भी बढ़ चढ़ के हेलीकॉप्टर दिए, जहाज दे रहा है। जहाज तो बाबा वो उनके अपने ही है, उनको पके नहीं दे रहा, लेकिन ये कि अपने पायलट भी इनकी हिफाजत के लिए, इनकी डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत मुफीद है ना। हाँ, ये तो बहुत फायदे की चीज, इसमें कोई शक नहीं। तो यार आप लोग बताएं इस वीडियो के बारे में आप लोगों के थॉट्स हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बकाया इन्फॉर्मेशन कोई हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।